आपके हेयर के लिए कौन सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज करना है, उसका ध्यान रखना है, कोई डेफिशिएंसीज है उसको टेक केयर करना है, थिनिंग शुरू होगी है तभी ट्रीटमेंट कर लें स्टार्ट, ये ना वेट करें कि मैं थोड़ा और गंजा हो जाऊँ तब मैं इलाज के लिए जाऊँगा डॉक्टर के पास। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show. And today we are going to talk about hair fall. Hair fall is a problem jo sabko hai is waqt. And for that, we have Dr. Suruchi with us. Hello ma'am, how are you? Hi Vidushi, I'm good. Ma'am, to start our interview, main aapko kehna chahungi ki aapke bahut hi sundar baal hai. And mujhe lagta hai ki aap apne baalon ki bhi utni hi care karti hongi jitna jab koi patient aata hai apni problem lekar. तो आपको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उनको अपने बालों की तरह ऐसे टिप्स देती हूँ कि देखो मेरे भी बाल इतने अच्छे हैं। अच्छे बालों की चाहत तो सबको ही है, बस एवरीबॉडी वांट्स टू लुक देयर बेस्ट और प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है हेयर का। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है, थिनिंग हो रही है, तो इट डज अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ आल्सो। एंड मैम, मैं जानना चाहूंगी और हमारी जो ऑडियंस है वो भी ये जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल के कॉजेस क्या हैं, ये मतलब क्योंकि इस टाइम पर सबको हेयर फॉल है, बड़े बूढ़े बच्चे सबको इस टाइम हेयर फॉल है, सो व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ हेयर फॉल? जैसे पहले टाइम में लोग सोचते थे कि हॉट वाटर है तब हो गया हेयर फॉल, या मानसून सीजन आ गया तब ब्रेकेज हो रही है, बट अभी जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेयर लॉस है आई वुड लेबल इट एज अ लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, सो हेयर फॉल इज प्रीडोमिनेंटली अ लाइफस्टाइल मीडिएटेड डिसऑर्डर। It is the commonest reason being male and female pattern baldness. लड़कों में और लड़कियों में दोनों में ही इसका genetic role भी होता है, hormonal भी होता है, lifestyle related भी होता है। तो lifestyle का बहुत strong impact होने से क्या हो गया है कि जो चीज़ शायद 50 में होनी थी वो 20 में present होने लग गई है। तो even young girls and boys come with lot of hair thinning. और क्योंकि जब बाल पतला हो रहा होता है तो वो जल्दी टूट भी जाता है। मैं लेकिन जैसे ना सब लोग ये सोचते हैं कि बाल तो टूटते ही हैं, जैसे कि एक कुछ स्टडी है कि दिन में 200 बाल टूटते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि सच में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया या फिर ये नॉर्मल? देखो, थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ टेलोजन एफ्लुवियम यानी हेयर फॉल इज व्हेन यू आर लूजिंग मोर देन 100 टू 150 स्ट्रैंड्स इन अ डे। पेशेंट के लिए काउंट रखाना या ट्रैक रखाना मुश्किल होता है, बट जब भी उसके यूजुअल हेयर शेडिंग से ये वेट बढ़ जाए, भाई उसको पहले कभी नहीं दिखता था पर अब दिख रहा है, कभी करते हुए बाल निकलते हैं या तेल लगाते हुए बाल हाथ में आ रहे हैं या लेटा हुआ है और पिलो कवर्स भर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सेसिव हेयर फॉल है। तो कुछ ना कुछ अबनॉर्मल तो हो ही रहा है हेयर के साथ बिकॉज ऑफ विच इट इज बीइंग शेड। सो टीलोजन एफ्लुवियम यानी पतझड़ अगर आपके मुंह से 100 या 150 बाल से ऊपर गिरते हैं तो मुझे पतझड़ मानते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एंड्रोजेनेटिक मींस एंड्रोजन प्लस जेनेटिक्स, एंड्रोजन इज योर हार्मोन। सपोज मेल की बात करें तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT, जो है वो बाल का दुश्मन मानते हैं क्योंकि बाल की ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देता है। तो बाल मोटे से पतला 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 होता चला जा रहा है, जैसे पौधा मुरझा रहा होता है वैसे बाल जा रहा होता है, एक स्टेज आती है कि रूट लॉस हो जाता है। और रूट लॉस वाली स्टेज पे आप जो मर्जी खाद डाल लो पौधे को, आप पौधा वापस नहीं ला सकते, इसलिए थिनिंग हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा इशू है विच नीड्स टू बी ट्रीटेड अर्ली बिकॉज यू कैन सेव द फॉलिकल इन द अर्ली स्टेज। बाद में क्या होता है कि जड़ी चली गई, आप पैसा भी लगा रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, सर प्रोसीजर भी करा रहे हो, यू कांट रिस्टोर द हेयर फॉलिकल्स। ओके, एंड मैम जैसे ये हेरिडिटरी जो ये हेयर लॉस होता है तो क्या इसका मतलब कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम पहले से ही कर सकते हैं? जेनेटिक, देखो जेनेटिक का मतलब जरूरी नहीं है पापा मम्मी से आ रहा है, मामा चाचा ताया नाना कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है जिसका इन्फ्लुएंस आ रहा है तुम्हारे की इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है उस पे। अच्छा, अब जेनेटिक है, हॉर्मोन्स है और लाइफस्टाइल, ये तीनों मिलके बाल की ब्लड सप्लाई को कम करते जा रहे हैं।
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक को आप जीन्स तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो तभी ये टग ऑफ वॉर है, मतलब आपको एफर्ट मारना है बाल को जाने से रोकने के लिए। एक पर्टिकुलर एज तक तो रोकोगे ना, जब तक बाल एक बहुत ही बड़ी नेसेसिटी है, और क्योंकि आपको बाल सोशल रीजन के लिए ज्यादा चाहिए होता है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि कम से कम जब तक शादी, क्योंकि एक बड़ा सोशल इवेंट है इंडिया में, कम से कम तब तक तो आप यू वुड वांट्स की हेयर शुड स्टे। ऑफ कोर्स इसके बियॉन्ड भी फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस आप चाहोगे कि हमेशा बाल सब पे रहे, तो केयर ये करनी है कि हॉट वाटर का यूजेज है तो वो अवॉइड करो, आर ओ वाटर यूज कर लो, वाटर सॉफ्टनर्स लगवा लो, डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में दो बार डॉक्टर से डिस्कस करके भाई, क्योंकि कई बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी टॉलरेंस आती रहती है, आपने लगाया अभी कुछ टाइम पर वर्क किया थोड़ा टाइम बाद वर्क भी करेगा, डैंड्रफ शैम्पूज अगर हार्श भी हो सकते हैं, आपके हेयर के लिए कौन सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज करना है, उसका ध्यान रखना है, कोई डेफिशिएंसीज है उसको टेक केयर करना है, थिनिंग शुरू हो गई है तभी ट्रीटमेंट कर लें स्टार्ट, ये ना वेट करें कि मैं थोड़ा और गंजा हो जाऊँ तब मैं इलाज के लिए जाऊँगा डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी तो मैनेजेबल है। तब तक लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा खड़े हो रहे हैं, उंगलियाँ रगड़ रहे हैं, प्याज का रस लगा रहे हैं, तो इतने में कई बार समय बीतता चला जाता है, यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट एवरी डे सम ऑफ द रूट्स आर सेइंग गुडबाय टू यू। ठीक है, तो जितने जल्दी जहाँ आपने देखा कि हेयरलाइन रिसीड हो रही है, यहाँ वॉल्यूम कम होना शुरू हो रहा है, बाल पतली हो रही है, स्किन शो होना शुरू हो गया, अभी देरी की जरूरत नहीं है, यू शुड रीच योर डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड जैसा आपने बोला कि शादी तो ठीक है लेकिन कुछ लोग काम ही बिल्कुल से चलता है, तो जैसे अब गिफ्ट बाहर से पैकेजिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो पैकेजिंग का हिस्सा बाल भी है, आप जितने प्रेजेंट टेबल लगोगे चाहे वो आपके अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, चाहे पब्लिक डीलिंग के लिए, चाहे लोगों से मिलने के लिए, चाहे शादी के लिए, चाहे सोशल गेट टुगेदर, सब कुछ का पार्ट है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, और बॉडी के लिए चाहे फंक्शनल यूजेज उसका कम है बट सोशल इम्पैक्ट, और आई वुड ऑल्सो से कि हेयर लॉस हैज अ सच अ स्ट्रॉन्ग मेंटल इम्पैक्ट दैट यू कैन लेबल इट एज अ मेंटल हेल्थ डिजीज ऑल्सो, एट अ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग सो मच ऑफ हेयर, जब बाल जिसके जा रहे होते हैं उसके साथ बैठ के देखिए कि वो बेचारे की मेंटल स्टिग्मा कितना जबरदस्त हो रहा होता है, टेंशन स्ट्रेस लेवल हाई हो जाते हैं, तो एक विशियस साइकिल बनता जाता है, स्ट्रेस लीडिंग टू हेयर लॉस, हेयर लॉस लीडिंग टू मोर स्ट्रेस, एंड देन यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। जैसे आप बता रहे हो कि लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें अपने बालों का ध्यान रखना है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही जैसे न्यूट्रिशन, जैसे कुछ हमारे बालों को बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, तो वो कौन से न्यूट्रिशन? देखो, जो अच्छी डाइट में बाल केराटिन से बनता है, केराटिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए डाइट में, तो मिनिमम हम बोलते हैं एक इजी कैलकुलेशन के लिए कि अगर 60 किलो का बनता है तो 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक तो डेली होना ही चाहिए। इंडियन डाइट्स जो ज़्यादा कार्ब्स और फैट्स पे फोकस करती है ना, फिर रोटी, चावल, आलू वगैरह, तो ये चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन रखना है, प्रोटीन से ज़्यादा आपने कंजम्पशन इंक्रीज करनी है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गया, बीन्स हो गए, और जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, और एप्पल, कैरेट, बीटरूट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा डाइट में लेनी है, देन नेचुरल डीएचटी इनहिबिटर्स जैसे पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट, देन फ्लैक्स सीड्स, नट्स, ये सारे, और इवन एग वाइट्स, इनमें प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे अलग वाइटमिन और मिनरल्स भी हैं जो बालों को फ़ायदा दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, एल्कोहल रिस्ट्रिक्शन, स्मोकिंग तो बहुत ही डिजास्टर्स है बाल के लिए, तो वो चीज़ अवॉइड करनी, तो इन चीज़ों का हमें स्पेशल ध्यान रखना है अगर बाल नुकसानी है, और अर्ली मॉर्निंग योगा या एक्सरसाइज, और अगर स्ट्रेस लेवल, देखो ये कहना कि लाइफस्टाइल बदल लीजिए, चार दिन मेरे कहने से पेशेंट मान जाएगा, पांचवें दिन तो वो उसी सोसाइटी का हिस्सा है, वही ऑनलाइन रेडिएशन, वही लेट नाइट एक्सपोजर्स, वही भागती दौड़ती जिंदगी, तो इसका मतलब कुछ काम तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको कॉम्बैट करने के लिए चाहे योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे मेडिटेशन करें, ताकि माइंड रिलैक्स रहे। ओके, एंड देन जैसे हम बोलते हैं कि बेडशीट और पिलो का भी बहुत रोल होता है हेयर लॉस में, तो क्या इज इट ट्रू?